मैं तो कमेंट करी बता दे था घर क्या उन्होंने काटा। यहाँ पे हिमांशु टेस्टिंग कर रहा है पाइप से कितना पानी आएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सही बच चुके हैं सुबह के 7 और मैं ब्लॉग आज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्टार्ट क्योंकि अभी देखो तो दिव्यांशु अभी सो रखा है फिर 7 बजे रहना क्योंकि और 2 दिन से उसी नीचे था ब्लॉग स्टार्ट। तो आज मैंने सोचा यार मैंने भी काफी दिन से ब्लॉग बनाई तो मैं आज ब्लॉग बनाता हूँ। यहाँ पर मम्मी बना दिया चूल्हे में रोटी सकते हैं आप। यहाँ पर ये अपना चूल्हा है इसने काफी बड़ा चूल्हा है यहाँ पर बन गया चूल्हे में रोटी। तो अभी दादी और मैं जा रहे हैं खेत आलू निकालने के लिए। दादी तो चल गई है और दादी तो फटाफट चल गई है अभी पता नहीं पहुँचने वाली होगी खेत तो मैं भी फटाफट जाता हूँ और दिखता हूँ निकल गया हूँ मैं भी यहाँ पर खेत के लिए। यहाँ पर योगेश भाई जो कि यहाँ पर हाथ में धो रहे हैं पहुंच चुका हूँ गाँव के खेतों साहब। ये हमारे गाँव के खेत हैं ये सारे एकदम सीढ़ी नुमा खेत बने हुए यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला अपना खेत है यहाँ पर दादी सामने आलू निकाल रही है यहाँ पर। ये मैं भी जाता हूँ और तब दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने खेत जाता हूँ यहाँ पर मतलब दादी वहाँ पे रोल यार ये ऐसे आ तो गया पर यहाँ पर कुछ काम कर नहीं रहा तो मैं भी और फटाफट खेत जाता हूँ। यहाँ पर रास्ता तो है नीचे आने का पर ये ऐसा रास्ता ना यहाँ से ये मुझे कूदी मारनी पड़ेगी क्योंकि यार रास्ता तो है सामने से और वहाँ तो मैं जाऊँगा इतना दूर यहीं से मुझे जाना पड़ेगा। इसमें कुछ कूद मार के मैं कूद मार ली और यहाँ पर मैं सब्जी लगेगी अरे यहाँ पर साइड मार लूँगा क्योंकि और पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं यहाँ पर मेरे कोई नहीं यहाँ से मैं खेत में जाऊँगा। और आप यहाँ पर धनिया और यहाँ के जो आलू दिख रहे हैं आपको ये सारे आलू ये परसों यहाँ पर निकाल लिए थे यहाँ पर मतलब अभी कुछ ही आलू बचे हैं तो इसलिए मैंने बोला यार अभी चलो चलते हैं सुबह के टाइम मतलब यहाँ तो वैसे गर्मी होने लग गया है गाँव में काफ़ी ज़्यादा और सुबह तो यहाँ पर थोड़ी ठंड है और दिन में यहाँ पर गर्मी होती है तो मैंने कहा दिन में तो मैं आऊँगा नहीं यार क्योंकि दिन में गर्मी रहती है। तो अभी चलो फटाफट अभी जाके हम आलू घर पर लेकर आते हैं। मैंने एक चीज़ और यहाँ पर गौर करी मतलब जब मैं यहाँ पर चुप रहा हूँ इतनी शांति यहाँ पर स्नैप एक बार मैं चुप होता हूँ तब देखो कि मतलब एक चूना चाँ के पास कुछ आवाज़ ही नहीं इतनी शांति यहाँ पर कुछ इतने सारे आलू यहाँ पर निकाल लिए हैं और यहाँ पर मतलब ऐसे में यहाँ से निकालते आइए इस साइड के लिए तो मैं भी निकालता हूँ। यहाँ पे ऐसे कुछ निकालने होते हैं आलू यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पर आ भी गया बाहर एक आलू ये रहा गा वगैरह आलू गाड़ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो वो होती है कुदाल उससे यहाँ पर ऐसे में करना पड़ता है देख सकते हैं अभी ये आ गए ऊपर तो मैं भी निकालता हूँ। चलो मैंने भी निकाल लिया और जहाँ पर जो ये आलू है इनको यहाँ पर डालना थैले का जब थैले में भरता हूँ मतलब मैं आपको दिखाया था नहीं पाया यार क्योंकि जब मैं निकल रहा था यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट लगा रहा था मैं ट्राईपॉड पर ट्राईपॉड भी अटक के रखे थे वहीं ऐसी मिट्टी है ऊपर नीचे अटक के थोड़ा मतलब अटका थोड़ी देर फिर गिर जा रहा वो मैंने चार छोड़ो क्या लग रहा है टाइम वेस्ट वगैरह मैंने थोड़े आलू निकाल दिए मैं खट्टे में रखता हूँ देन मैं घर ले आता रहूँ करके उसको यहाँ पर दोस्त नीचे वाले खेत में जिसने कैसे करें दोस्त को यार और धूप भी आ चुके हैं सामने वाले गांव रामपुर से है रामपुर में आई तो नहीं मतलब ऊपर ऊपर के जो घर है यहाँ पर आ चुके धूप ये और यहाँ पर हमारे गांव तो ये भी कहीं धूप का नाम निशान नहीं क्योंकि अभी तो 8 बज रहे हैं आती है 8:30 बजे तक आई जाएगी धूप आती है यहाँ सामने वाली चोटी से यहाँ ऊपर टॉप होता है सनराइज और सनसेट होता है हमारे गाँव में यहाँ सामने निकाल चुका और मैं खेत से घर को इस कट्टे कह सकते हैं कितना भारी कट्टा आ रही है काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है ये इसको मुझे यहाँ पर ले आना है घर तक ऐसे यहाँ पर हैं गाय बैल वगैरह और यार मैं सजग नहीं बैठ रहा यार बहुत भारी रह रहा है क्यों रचना भारी किलो था भारी आ रही हूँ मैं तो कमेंट करी बता रहा घर क्या हूँ काटा मैं से तो मिल लूँ गौर मावा फाइनली यहाँ पर मैं घर कट ले गया था काफ़ी कंधों में दर्द हो चुका है कट्टे को ला के हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के साथ घास के लिए और साथ ही साथ हमारा वहाँ पे कुछ काम भी है तो वो हम आपको आगे रास्ते में बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सामान है जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वैसे तो आप समझ ही गए होंगे हम क्यों जा रहे हैं तो अभी आपको आगे बताते हैं हम और देख सकते हैं आप यहाँ पे धूप भी आ चुकी है आपको बता ही देते हैं हम जा रहे हैं नर्सरी वहाँ पे जो नहर है वो टूट चुकी है जहाँ पे नहर टूटी है वहाँ पे हम ये पाइप लगा देंगे अभी तो देखते हैं वहाँ पे पानी जो नहर है वहाँ से पानी काफ़ी नीचे जा चुका है उसे भी ऊपर उठाना है पानी को मतलब उसको हाइट देनी है तो अभी देखते हैं आगे जाके और आपको दिखाते हैं हम ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इस वाली नहर में यहाँ पे पानी लाना है मुझे हम दोनों को और ये हमारी पूरी नर्सरी आगे तक है बहुत बड़ी है यहाँ से तो यहाँ पर और साइड आ रही है और यहाँ से नहर आ रही है यहाँ तक नर्सरी हुआ करती थी पर आप तक जैसे बह गई है और ये नहर आ रही है और कुछ वहाँ पे देख सकते हैं आप नहर टूटी है मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ मुझे लगता है ये पाइप पूरा हो पाएगा और वहाँ पे जो
पानी है वो हमको ऊपर चढ़ाने, देख सकते हैं आप कितना नीचे पानी है, वो नहर का हेड है, तो आपको नीचे चल के दिखाते हैं हम एक बार। देख सकते हैं हमने ये पाइप यहाँ पे लगा लिया है, पर ये पाइप देख सकते हैं आप खाली यहीं तक पहुँच रहा है, यहाँ से आगे बहुत लंबा पैच है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो हम सोच रहे हैं घर जाके पाइप लेंगे, पर उसे बाद में लाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इससे पहले हेड पे हम काम कर लेते हैं। वहाँ पे हेड है आप देख सकते हैं नहर का, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नहाने का हुआ करता था कुछ टाइम पहले, अब तो ये गधेरे की वजह से सब बर्बाद हो चुका है। और हमारी नहर का टूटने का मेन कारण ये चट्टान है, क्योंकि इस चट्टान पे पानी टकराता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी टकराता है और सीधा इस तरफ आता है, जिस वजह से नहर टूट जाती है। और वैसे यहाँ के ठेकेदार हैं जिनको नहर बनानी नहीं आती, आप देख सकते हैं रेत के ऊपर इन्होंने पुस्ता डाल रखा है, तो ये तो बहेगा ही। तो अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, अभी वो लाते हैं पाइप घर से और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इससे पहले जो सबसे पहले नहर बनी थी वो आरसीसी टाइप का बना था, देखो अभी तक नहीं टूटा, भले उसमें नीचे से कोर भी लग चुके हैं फिर भी वो टूटा नहीं है, पर ये जो हाल ही में बना है वो भी टूट चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये एक लैंडस्लाइड जोन है भाई, यहाँ से तो फटाफट निकलना पड़ेगा, यहाँ पे नहर इतनी भरी है, मैं ये भी साफ़ कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बुरे हाल हो रखे हैं। पानी कुछ तो आ रहा है पर ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ज़मीन से ही पानी निकलता है, और ये नहर है और ये यहाँ पे गधेरा है। अभी मैं हेड मैंने देखा नहीं है, हेड भाई साहब ये तो पूरा बंद हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे तो असंभव लग रहा है पानी लाना। ओ भाई साहब हमें ये इतना बंद करना है, पानी तो आ जाएगा वैसे जो हम ये रेत निकालेंगे ना इस गड्ढे से, ये हमको यहाँ डालनी पड़ेगी। पहले काम करते हैं यहाँ लाते बड़े बड़े पत्थर, यहाँ भरते हैं बड़े बड़े पत्थर, तो रेत निकलेगी साथ ही यहाँ ठीक करेंगे। हाँ अभी यहाँ पे पत्थर लगाने पड़ेंगे हमको, फिर उसी के ऊपर ये रेता डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये कुछ रेत इतनी हटा दिया है यहाँ पे, और ये वहाँ पे भी पत्थर लगा लिए, और यहाँ पे एक छेद है जिसके अंदर पत्थर फंस चुका है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे मैंने नहर भी आधी खोद दी है, आगे भाई पूरी नहर भरी हो रही है, बहुत आफत आने वाली है आज। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि हमने कितना छेद खोल दिया है, ये देखिए अभी इसको खोल रहे हैं हम, और यहाँ पे भी हमको भरना है पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे ये टनल थी ये पूरी खोल दी, आप देख सकते हैं यहाँ से, और इधर हमने पानी निकाली दिया फिर यहाँ पे, अभी हमको ये पूरा वहाँ पे तक साफ करना है, और खाली हम वहाँ पे तक साफ करेंगे क्योंकि उसके बाद आगे नहर टूटी हुई, हम नहीं चाहते कि नहर और टूटे, हम जब तक पाइप लाते हैं, पाइप छोटा पड़ चुका है क्योंकि। और अभी बस आप यहाँ पे टाइम लेफ्ट इंजॉय कीजिए, और हम यहाँ पे करते हैं आ चुके हैं वहाँ से, मम्मी ने मुझे घास काटने के लिए था, और यहाँ देख सकते हैं हम कुछ इतना पानी यहाँ पाइप से आ सकता है सॉरी ऊपर लगा थोड़ा ऊपर, ये देखिए आप अभी देख सकते हैं आप यहाँ से इतना पानी आएगा कुछ, अरे बहुत है यार इतना पानी, अरे बहुत ज़्यादा है, चल चल अभी यहाँ पे हमको इतनी बड़ी सफाई करनी है यार, सबसे कठिन काम होता है सफाई करने का, बाकी धूप भी आ ही चुकी है यहाँ गधेरे में, और ये है नहर जो कि यहाँ से टूट रखी है यार, यहाँ पे हमें पाइप लगाना है। अरे यहाँ पे भाई इतना फोर्स से पानी जाया करता था, यानी कैसी नहर बनाई है, वहाँ पे तक हमको इसे बांधना है, इससे जो ये लट्ठा है इस पर बांधेंगे, इस वजह से लोड ना पड़े पाइप पे। चलिए काम शुरू करते हैं, और अभी मैं नहीं चाहता ये टाइम लेस वगैरह लगाना, सीधा काम शुरू करते हैं, हाथ भी कट चुका है हमें पेड़ काटते समय। तो अभी मम्मी लोग भी घर जा चुके हैं, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि ये पाइप लगा दें, क्योंकि भाई साहब नहर साफ़ कर करके हमारी हालत ख़राब हो चुकी, पूरी कंधों में भी दर्द होने लग गया, वो फावड़ा चला चला के इतनी भारी रेत है वो, तो अभी हम सोच रहे हैं पहले ये लगा लेते हैं फिर आपको मिलते हैं, ये आप टाइम लैप्स एंजॉय। देख सकते हैं हमने इसमें कुछ इतना ये कनेक्ट कर दिया है पाइप यहाँ पे से, और यहाँ पे इतना लंबा पाइप अभी हम और चाहिए, ये पानी नहीं है, ये पानी तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अभी वहाँ मेन हेड से तो पानी आया नहीं, इतना पानी से तो कुछ नहीं होने वाला, ये पानी खेत तक पहुँचेगा नहीं, तो बस अभी इसमें थोड़ा रेत वगैरह डालते हैं, वहाँ पर पक्का बनाते हैं, तो बहुत बहुत मेहनत का काम है ये, अभी फ़ोन को मैं संभाल देता हूँ क्योंकि इसके साथ तो काम होने से रहा। हम यहाँ पर वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि भाई काम तो पूरा हुआ नहीं, नहर ही हम साफ़ कर रहे थे इतनी देर से,
और बस यही हुआ है। अभी तो हम घर जा रहे हैं पाइप वगैरह लेने के लिए। पाइप वगैरह नहीं, अब तो कल या तो शाम को आएंगे या तो सीधा कल आएंगे, क्योंकि वहाँ पे दो मीटर के करीब पाइप हमें और चाहिए, पाइप और चाहिए और वहाँ पे लगाना है। बिना उसके तो पानी आएगा नहीं, और यहाँ पे भी नहर के हाल बहुत बुरे हैं, तो इतना मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारा इतना काम करके। तो अभी हम घर से जा रहे हैं, क्योंकि घर से फ़ोन आया है कि घर आ जाओ, क्योंकि 12 बज चुके हैं, हम यहाँ पे सुबह से लगे हैं, तो चलते हैं अभी घर और मिलते हैं। आ चुके थे तो घर पहुँचे, दादाजी का फ़ोन आया क्योंकि वो रुद्रप्रयाग गए थे ना, तो वहाँ से सामान लाए थे, तो वो सामान धारा से इधर तक लेके आना है, और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो मम्मी कपड़े मांगी थी धोने के लिए, पर हम सोच रहे हैं कदेरे चले जाएँ, वैसे जाएंगे नहीं, यहाँ ठंडा बहुत है। और दादी चले गए, पता नहीं किसने बोला परवाना बनने के लिए, कट्टे उठाने बस की है नहीं डांट खिलाने के लिए हमको, तो सुनते हैं आपको धारा पे। यहाँ पे सामान ला चुके हैं, देख सकते हैं मैं एक कट्टा ला रहा हूँ और पीछे ये चारे का कट्टा ला रहा है, गाय का चारा, और पीछे दादाजी के पास भी हल्दी वगैरह का कट्टा है। तो बस ये इसके अंदर तो बहुत आया, तो हल्का ही है, क्योंकि मेरे कल कंधे में दर्द हो रहा था ना, गन चलाने की वजह से कंधे में दर्द हो रहा है, बाहरी कट्टा मैंने उसके पास दे रखा है। तो मिलते हैं सीधा घर पे। अभी शाम भी हो चुकी है और हम जा रहे हैं नीचे खेतों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे नहर में आ चुका है भाई पानी, क्योंकि पानी आज बंद हो रखा था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नहर में आ चुका है पानी, तो हमको जो खेत है जहाँ से परसों आलू निकाले थे, उस वाले खेत में पानी लगाने, क्योंकि वहाँ पे लहसुन और थोड़े से गेहूँ है। अभी चलते हैं वहाँ, यार यहाँ इतना पानी तो यहाँ वेस्ट हो रहा है, देख सकते हैं हम यहाँ पे इतना पानी तो यहाँ वेस्ट हो रहा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बैक कैमरा खोल के आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये हमारी गाँव की नहर में पानी आ चुका है इसको कितना, और यहाँ पे भी गेहूँ हो रखे हैं, यहाँ पे देखें आप किसी ने लहसुन बो रखी है। अभी चलते हैं, वो हमारा खेत है वहाँ नीचे पे, उसमें हमें पानी लगाना है, जिसमें हमको पानी लगाना है। आप देख सकते हैं आगे धनिया है, उसके आगे गेहूँ है और ये लहसुन है। हम जा रहे हैं उन बूढ़ा जी को पूछने कि हम अपने खेत में पानी लगा ले, क्योंकि वही पानी लेके आए थे ना, तो पूछना सही होता है, क्योंकि गाँव की नहर में पानी था नहीं, तो इतनी मेहनत करके पानी लेके आए, तो उनसे पूछना एक बार सही रहेगा। वो आगे घरी में होंगे, सुन के गोभी, इन्होंने गोभी में लगा रखा पानी, हो ही गया होगा अब तक। तो यहाँ वहाँ पे पहुँच चुके हैं, देखो वहाँ है हमारे खेत, और अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ओ बड़ा जी, पानी कहाँ लगा रखा आपने, गोभी में? अच्छा उन्होंने लगा रखा पानी, कब तक होगा वो पानी, कब लगाया उन्होंने? अच्छा हमने भी लगाना था ना उधर पे, चलो देख के आता हूँ मैं। पे इस पानी को बंद कर रहे हैं जो यहाँ से जा रहा है, कर दे बंद एकदम टाइट कर, और ये पानी आगे जा चुका है, अब हम अपने खेत में पानी लगा सकते हैं। तो अभी हिमांशु यहाँ पे पानी लगा रहा है, खोल दे। टाइट मत कर देना बंद, उधर आके भी जाने देना है पानी। अभी आप देख सकते हैं, चलो अब ये पौधे भी कुछ पानी पी लेंगे।